तेजस्वी यादव के साथ। आरोप तेजस्वी यादव पर है जी, मुकदमा किस पे किया गया? तेजस्वी यादव कि हमारे भाई को तेजस्वी यादव, हमारे विधायक भाई को तेजस्वी यादव ने किडनैप। क्या मुंह दिखाओगे यार, क्या मुंह दिखाओगे? आनंद मोहन का बेटा होके बोलते हो कि मेरे भाई को किसी ने किडनैप कर लिया। अरे कोई भाई रहे, भतीजा रहे, कोई फर्जी कंप्लेन करेगा तो तेजस्वी यादव के घर पे बुलडोजर चला दोगे क्या? अपना सेंस नहीं है क्या? कैसे बिहार की पुलिस में जो एसपी वगैरह है आए था, एसपी कौन अब कैसे यूपीएससी परीक्षा लोग पास करता है जी? आनंद मोहन तो कहते हो बड़ा नाम है, तो आनंद मोहन का बेटा कौन किडनैप कर लेगा? अब अगर कर लिया और वो भी विधायक भाई है, ओ विधायक भाई है भैया मेरे, तो केस करे वाला के पास भेजा नहीं था तो पुलिस के पास भेजा होना चाहिए ना? चेतन आनंद का भाई पुलिस में कंप्लेन करता है कि हमारा भाई को किडनैप कर लिया विधायक को किडनैप कर लिया तेजस्वी यादव। कल रात का ये वीडियो है, कल रात का ये वीडियो है और तेजस्वी यादव ने आज दिन में ये जारी किया है। यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी के विधायक हैं सिमरी बख्तियारपुर से, वो गिटार बजा रहे हैं। यहाँ देखिए ये वीडियो जारी किया गया आज दिन में कि यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी के विधायक गिटार बजा रहे हैं और तेजस्वी यादव देखिए उसके उनके बगल में है, आग सेक रहे हैं और उसके बगल में देखिए चेतन आनंद है। क्या आपको लगता है कि किडनैप किया हुआ है? तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पे अचानक पुलिस पहुंच गई और बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची थी एसपी के नेतृत्व में। और ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है उनके समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, लेकिन असल कहानी क्या है वो कहानी हम बता रहे हैं कि चेतन आनंद के भाई ने पुलिस में शिकायत की थी कि हमारे भाई जो विधायक हैं आरजेडी के उनका अपहरण हो गया है, तो उन्हें आजाद कराने के लिए तेजस्वी यादव के आवास में एसपी साहब दलबल लेकर के पहुंचे थे। वेद प्रकाश जी लगातार 24 घंटे से लगातार आप यहां पर हैं, देख भी रहे हैं, तो यहां एसपी साहब आए थे, वो जो अपहरण हो गया उनके विधायक का, शिकायत उनके भाई ने कराई, उसके बाद वो यहां पहुंचे थे और विधायक जी को कहा कि आपका अपहरण हो गया है, आप ही को हम छुड़ाने आए हैं, यही सारा मामला हुआ। बताइए अब कहानी। अब देखिए चेतन आनंद का भाई पुलिस में कंप्लेन करता है कि हमारा भाई को किडनैप कर लिया विधायक को किडनैप कर लिया तेजस्वी यादव, अपने घर में पैक कर दिया। के एफआईआर किया ओकर भाई के है वो ओकर भाई। अरे कोई भाई रहे, भतीजा रहे, कोई फर्जी कंप्लेन करेगा तो तेजस्वी यादव के घर पे बुलडोजर चला दोगे क्या? अपना सेंस नहीं है क्या? कैसे बिहार की पुलिस में जो एसपी वगैरह है आए था एसपी कौन अब कैसे यूपीएससी की परीक्षा लोग पास करता है जी? कैसे यूपीएससी की परीक्षा पास किया एसपी की तेजस्वी यादव के घर में पुलिस भेज दिया, जबकि दिन में तेजस्वी यादव की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। देखिए देखिए कल रात का ये वीडियो है, कल रात का ये वीडियो है और तेजस्वी यादव ने आज दिन में ये जारी किया है। यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी के विधायक हैं सिमरी बख्तियारपुर से, वो गिटार बजा रहे हैं। यहाँ देखिए ये वीडियो जारी किया गया आज दिन में कि यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी के विधायक गिटार बजा रहे हैं और तेजस्वी यादव देखिए उसके उनके बगल में है, आग सेक रहे हैं और उसके बगल में देखिए चेतन आनंद है। क्या आपको लगता है कि किडनैप किया हुआ है? किडनैप किया हुआ बच्चा नहीं लग रहा है? जो जो गिटार का आनंद ले रहा हो, एंजॉय कर रहा हो, तेजस्वी यादव अपने बगल में बैठा है, अपने भाई की तरह बैठाए हुए हैं, वो कह रहा कि देखिए गिटार बजाने हैं, सुना था गाना सुना भी दीजिए, इतने आवाज है देखिए। तो जब गिटार बज रहा है, आग सेक रहा है लोग, तो पुलिस को सोचना चाहिए, किसी भी कार्रवाई से पहले पुलिस जांच करती है कि क्या ये आरोप सही है या नहीं है। तो जब ये आरोप जांच के दौरान ये देखते कि आरजेडी के तेजस्वी यादव के तरफ से पिछले 10 घंटे 8 घंटे में क्या गतिविधि की गई है, जब आरोप तेजस्वी यादव पर है जी, मुकदमा किस पे किया गया? तेजस्वी यादव कि हमारे भाई को तेजस्वी यादव, हमारे विधायक भाई को तेजस्वी यादव ने किडनैप। क्या मुंह दिखाओगे यार, क्या मुंह दिखाओगे? आनंद मोहन का बेटा होके बोलते हो कि मेरे भाई को किसी ने किडनैप कर लिया। आनंद मोहन तो कहते हो बड़ा नाम है, तो आनंद मोहन का बेटा कौन किडनैप कर लेगा? अब अगर कर लिया और वो भी विधायक भाई है, ओ विधायक भाई है भैया मेरे, तो केस करे वाला के पास भेजा नहीं था तो पुलिस के पास भेजा होना चाहिए ना? कि पिछले 10 घंटे की एक्टिविटी देखते तेजस्वी यादव की, तो वो तो खुद वीडियो जारी किए हैं कि चेतन आनंद हमारे साथ है। कल शक्ति यादव का हम बयान लिए, वो बोले एंजॉय कर रहे हैं अंदर में, तो कैसे पुलिस यहाँ आ गई? और सबसे पहले विधायकों में पहुंचने वाले में इनका लिस्ट है कि सबसे पहले 3:30 बजे यहाँ पहुंच गए। हर जगह ये खबर चल चुकी है चेतन चेतन नाराज। बता दीजिए कि 100 विधायक अंदर है, सब किडनैप, सभे के घर से भाई एफआईआर करेगा, तो सभे हर जिले से पुलिस बल ला दीजिए, भर दीजिए पूरे बिहार की पुलिस को यहाँ को। भाई पढ़ाई लिखाई करके यूपीएससी की परीक्षा पास करेगा तो दिमाग होगा, और गांधी छाप से यूपीएससी परीक्षा और जाति के नाम पे इंटरव्यू पास करेगा तो यही हाल होगा, समझे?
अरे भाई हमको हम ही रहते नहीं रहते एसपी, हम दरोगे रहते तो हम जांच करते भाई एफआईआर हुआ है, किडनैप हुआ है। अच्छा के किडनैप किया तेजस्वी यादव, एक को फोन कर लेते के किडनैप हुआ, चेतन आना उसको फोन कर बोलते तेजस्वी जी जरा चेतन से बात करा दीजिए, बात हो जाती है। किडनैप ऐसे किया जाता है क्या? किडनैप के लिए कुछ मांगा जाता है? तो भाई आनंद मोहन तो 20 साल जेल से आए, कहाँ से पैसा कौड़ी आया होगा? तो जो अपने लंगा हो किसी और को क्या देगा? कुछ है बचल? सुप्रीम कोर्ट, अरे बाबू जी पहले हर 15 दिन पे थाना पहुंचाओ, बोला है दस्तखत करिए आके पासपोर्ट जमा करिए। ये सब तेजस्वी यादव को बदनाम करने, ये सबको टिकट में नहीं देना चाहिए था। ये सब फर्जी वाला है, A to Z। के खड़ा है अभी तेजस्वी यादव के लिए? पूरा बहुजन समाज खड़ा है पूरे देश का। तो पुलिस वाले भैया बिहार पुलिस का नाक मत कटवाइए, कोई भी केस करे मुकदमा करे तो पहले जांच करिए। और जब SC ST केस में तुरंत गिरफ्तारी का मामला है तो नहीं करेगा उसमें जांच करेगा, पैसों खा लेगा उन्हें, समझे, और गिरफ्तार नहीं करेगा। और यहाँ पर जांच करना चाहिए पहले, और दिखाना चाहिए कि भाई आपका भाई का तो वीडियो यहाँ पे गाना सुन रहा है, तो किडनैप कहाँ हुआ है? गिटार की आर में बज रहा है। तो ये पत्रकार वेद प्रकाश बहुत नाराज है पुलिस की कार्यशैली पे, कह रहे हैं कि भाई बैठा हुआ है, इंजॉय कर रहा है, आग सेक रहा है, गिटार बज रहा है और तेजस्वी की कुर्सी के बगल में है। इसे कहा जाता है राजनीति में कि बगलगीर नेता है, उसके बाद उनके भाई की कैसी स्थिति है कि शिकायत करा दिया कि हमारा विधायक भाई जो है उसका किडनैप हो गया है। भाई तो कोई भी किडनैपिंग होती है तो 24 घंटा बाद उसकी जांच होती है। कहा होगा कि कहीं घूमने चल गया होगा, जवान लड़का है कहीं घूमने चल गया होगा। नहीं, अरे आप जाइएगा, देखिए अमूमन बिहार पुलिस क्या करती है, किसी की बेटी अगर गायब होती है तो कहता है कि गया होगा किसी के साथ, देखते हैं जांच करते हैं। हाँ, वही पुलिस। अब बताओ कि किसकी से बातचीत होता था, ये सब होता था। हाँ, यहाँ तो भैया कहते नानी घर चल गया होगा बुतरू, दादी घर चल गया होगा बउआ, जो किडनैप हो सकता है बचवे ना होगा जी। हाँ सही बात। तो ये सब हताशा है, निराशा है, मनोबल तोड़ने के, इसलिए तमाशा है समझ गए? बोलिए जय भीम जय भारत।